नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अली जहांगीर और आज हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में बात करेंगे, इसमें हम इसके इतिहास और उसका भविष्य के बारे में बात करेंगे। इसके नेटवर्क मार्केटिंग के अगर इतिहास के बारे में बात करते हैं अपन, तो ये इसकी शुरुआत अमेरिका में 1930 में हुई थी और बहुत ही सैद्धांतिक रूप से कार्य करने पर इसने अपार सफलताएँ प्राप्त की हैं। और नया नया व्यवसाय था, शुरू में हुआ था तो इसके विरोध भी बहुत हुए थे। और देखा जाए तो जिस चीज़ का जितना ज़्यादा विरोध होता है उसका उतना ही ज़्यादा उसकी संभावनाएं, सफल होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। देखा जाए तो हम सब की जब बिस्लेरी की शुरुआत हुई थी, बिस्लेरी जो पानी बोतल आती है उसकी शुरुआत हुई थी, जब लोगों ने उसका भी विरोध किया था कि पानी है, पानी क्या बिकेगा, पानी तो है ना बहुत है, ये इसके कोई पैसे लेकर कौन पिएगा। लेकिन आज देखा जाए तो बिस्लेरी की मांग हर जगह, हर क्षेत्र पर, हर टाइम पर है। इसके बिना तो मतलब कि है ना व्यक्ति का कोई काम, सब भी तरह काम अधूरे हो जाते हैं देखा जाए तो, पानी की बोतल के बिना तो, ये देखा जाए तो समय के अनुसार अनुसार जब शुरुआत में कुछ चीज़ें नई शुरू होती है तो लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ अगर पॉजिटिव सकारात्मक व्यक्ति सकारात्मक सोच लेकर अगर व्यक्ति चलता है और उसको करता है तो उसको अपार सफलताएं मिलती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ये देखा जाए तो है ना व्यक्ति के सभी तरह के सपने पूरे होते हैं। और इसमें अगर जब ये शुरू हो गया था नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद ये लगभग सभी देशों में फैल चुका है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान, कोरिया, भारत, बहुत से राष्ट्रों फैला हुआ है। और सबसे बड़ा बिजनेस देखा जाए तो विकसित राष्ट्र में होता है, जो कि सबसे अमीर राष्ट्र है उसमें ही बिजनेस बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। सबसे बड़ी बात देखा जाए तो ये, तो इतना अमीर राष्ट्र में, जो राष्ट्र इतना अमीर है उनमें इतने बड़े स्तर पर ये बिजनेस हो रहा है, तो मतलब कि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। भारत में लगभग इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी दोस्तों, और तकलीफ़ हुई थी क्योंकि क्योंकि देश में नई नई चीज़ आती है तो तकलीफ़ होती है। और बहुत सी कंपनियां ऐसी गई है जो इसको अपने सिस्टमेटिक तरीके से ना करके इसको कुछ अलग तरीके से किया, लेकिन और उन्होंने उसके रिजल्ट भी उनको मिले ही हैं। अब रिजल्ट तो उनके देखो कि रिजल्ट के बारे में बात करें तो सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं, और नकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं तो नकारात्मक रिजल्ट मिलता है। लेकिन उसी के साथ ही बहुत सी सकारात्मक कंपनियां थी, उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम किया और आज बहुत ही बड़े स्तर पर फैला हुआ है। भारत में देखा जाए तो 2016 में फिक्की नाम की संस्था है जो इस पर कार्य कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग बारे में बात करें तो इसका दूसरा नाम डायरेक्ट सेलिंग भी है, कि डायरेक्ट सेलिंग भी इसको बोलते हैं। तो 2016 तक तो बहुत ही अच्छा बिजनेस हुआ, बहुत ही शानदार हुआ। और 2016 के बाद में फिक्की ने एक रिपोर्ट जारी की, इस रिपोर्ट में फिक्की ने बताया कि 2025 तक, जो आने वाला समय है 2025 तक, उस समय लगभग 64,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ भारत में, जिसके अंदर 60% भागीदारी तो केवल महिलाओं की है, औरतों की है 60% भागीदारी। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे व्यक्ति के सारे सपने पूरे होते हैं, रोजगार में बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं, इसके अंदर बेरोजगारी खत्म होती है अगर एक तरह से ये बात कही जाए तो। नेटवर्क मार्केटिंग में यही है कि ना हमें अपने सपने पूरे करने, अपने सपने के साथ लोगों के सपने पूरे करने हैं। लोगों के सपने पूरे करने का मतलब है कि हमें लोगों की मदद करनी है। हम जितने बड़े स्तर पर लोगों की मदद करेंगे, उनके सपने पूरे करने में हम उनकी मदद करेंगे, उतने ही हमको भी सफलता मिलेगी। यही इस बिजनेस की रूपरेखा है, इसी कंसेप्ट पे ये काम करता है और बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और इसके बारे में अगर कुछ बात बताऊँ तो देखो कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि ना हम अपने साथी सहकर्मियों की मदद के बिना इस बिजनेस को बड़ा नहीं बना सकते। सबसे बड़ी बात तो ये कि मतलब है ना हमको एक टीम बनानी पड़ेगी, उस टीम के साथ हमको काम करना पड़ेगा, उसकी दिशा निर्देश के अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। ये
एक इसका कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि ना कि फिक्की ने 5 सितंबर 2017 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि ना विश्व भर में 2016 में 18,356 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया और पूरे विश्व में करीब 10.7 करोड़ डायरेक्टर विक्रेताओं को पार्ट टाइम रोजगार दिया। तो समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा अवसर है। और देखा जाए तो हमारी जानकारी के अनुसार, जितनी जानकारी है जिसके साथ बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का आधुनिक प्रारूप तो मैंने आपको बताया था 80 के दशक में शुरू हो चुका है, और 90 के दशक में इसमें बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसमें शामिल हुई हैं। और फिक्की इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और ये देखा जाए तो फिक्की है ना भारत की सत्ता है, वो इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।